बेगूसराय में बस स्टैंड में हथियार लहराकर लोगों को डरा रहे कि युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंझौल थाना की पुलिस को सूचना मिली थी कि मंझौल बस स्टैंड में पिस्टल के साथ मथुरामल मंझौल निवासी मुन्नू सिंह लोगों को डरा रहा है। इस सूचना पर मंझौल थाना की पुलिस ने बस स्टैंड में छापेमारी कर मुन्नू सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 2 पिस्टल 11 कारतूस 2 खोखा बरामद किया है। SP अवकाश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मुन्नू सिंह हथियार लेकर बस स्टैंड में लोगों को डरा धमका रहा था। इस सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है। इसके विरुद्ध अभी तक कोई भी आपराधिक मामला सामने नहीं आया है, लेकिन हथियार दिखाकर लोगों को डराने और वर्चस्व स्थापित करने के लिए यह बस स्टैंड में मौजूद था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसका भाई आर्मचेक के मामले में जेल में बंद है, फिलहाल पुलिस जाँच कर रही है। तो बेगूसराय से बड़ी खबर है। हरे रामदास, टुडे बिहार न्यूज, बेगूसराय। इसमें छापेमारी के क्रम में एक व्यक्ति मुन्नू सिंह जो मथुरा मल का रहने वाला है उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से एक 9 mm का देसी पिस्टल, एक 7.65 mm का देसी पिस्टल, 9 mm की कुल 5 जिंदा गोलियां और 7.65 की 6 जिंदा गोलियां और 2 खोखे बरामद हुए हैं 9 mm के। इसका एक भाई है नमन कुमार, जो पूर्व में आर्मचेक के केस में जेल में है ऑलरेडी बंद, और अभी तक इसके विरुद्ध में जो मुन्नू सिंह है इसके विरुद्ध में कोई आपराधिक इतिहास अभी तक हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग उस दबंगई दिखाने का एक वो दिख रहा है कि रोड में किसी भी राह चलते आदमी को धमकाना, डराना, अपना दहशत कायम करना, किसी को मारने की या उसको अभी तक कोई मोटिव सामने नहीं आया है, लेकिन अपना दबंगी दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक तरह से ये मार्केट में घूम के लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे। ये अभी तक आया है, बाकी आगे हम लोग अनुसंधान